एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, और आप सब लोग के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। आपने वर्मा जी के लिए बहुत अच्छे अच्छे होम रेमेडीज बताए, उसके लिए भी थैंक यू। और आज मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है, जब से ये हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है कि हमें कैसे पता चला कि ये जो बीमारी है ये कोरोना है, और कैसे हम शिप से उतरे, क्या क्या हमने किया, वो सारी बातें आज मैं और वर्मा जी आपके साथ मिल करके शेयर करेंगे। तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, अभी आफ्टरनून है, हम लोगों ने लंच किया है, पीहू इधर बैठी हुई है। हाय पीहू, कैसी हो? और पढ़ाई हो गई? पीहू की आज सुबह क्लास थी 10 से 11:30, तो वो उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं, तो वो पढ़ के बैठी है। हम लोगों ने लंच भी किया है, आज लंच में हम लोगों ने मंगाया था सूप, मंगाया था पहले गरम गरम, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगता है, गले को थोड़ा आराम मिलता है। तो हम लोगों ने सूप मंगाया और फिर उसके बाद लंच किया। तो लंच हमारा हो चुका है, अभी हम लोग बैठे थे, तो मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपके साथ ये शेयर करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे हमें सिम्टम्स क्या पता चले, कैसे हम शिप से उतरे, ये सारी बातें आज हम इस व्लॉग में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मिलवाती हूँ मैं आपको वर्मा जी से। गुड आफ्टरनून वर्मा जी। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, और अभी इम्प्रूवमेंट चल रहा है। खांसी कैसी है? खांसी है, सोचता हूँ तो खांसी आती है। अच्छा, लोगों ने बहुत सारी आपको विशेष दिए और बहुत सारे होम रेमेडीज भी बताए हैं। वर्मा जी से मैंने आपको मिला दिया है, और मैंने क्वेश्चन नोट कर लिए हैं जो जो आप लोगों ने पूछे थे। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड करूंगी और आंसर कुछ वर्मा जी देंगे और कुछ मैं उनकी हेल्प करूंगी, क्योंकि वो ज्यादा बोलते हैं तो फिर उन्हें खांसी आने लगती है। तो थोड़े थोड़े हम उनसे क्वेश्चन के आंसर लेंगे, बाकी तो मैं हूं ही उनका साथ देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर वन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोगों ने ये पूछा था, आपको कैसे पता चला था कि आपको कोरोना हो गया है, तो क्या जवाब है आपका? कोरोना के सिम्टम्स आ रहे थे मेरे को सारे, ड्राई कफ और बुखार, हेडेक, बॉडी पेन, ये सब हो रहा था, और एक दो लोग और थे शिप में जिनको ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे। प्री अलर्ट हो गया, पता चल गया कि यही हो सकता है। लोगों को मैं आपको बता दूं, ये जो इनके सिम्टम्स थे ये रात में स्टार्ट हुए थे, 11 बजे करीब इनको खांसी सिर्फ आना स्टार्ट हुई थी, और बस खांसी आने से ही मैं अलर्ट हो गई थी कि कुछ तो प्रॉब्लम है, अचानक से खांसी क्यों आने लगी। तो मैंने इनको रात में ही अपने बेड से अलग कर दिया था, मतलब हम लोग अलग अलग लेट गए थे, ये अलग रूम में और हम अलग रूम में, इस तरह से हम लोग ने रात में अलग कर लिया था। और ये एक दिन शिप में बहुत ज़्यादा परेशान हुए, मतलब रात में हमने डिटेक्ट किया, दूसरे दिन ये सारा दिन बहुत परेशान रहे, तीसरे दिन सुबह 7 बजे हमने शिफ्ट छोड़ दिया था, क्योंकि तब तक इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। इनको फीवर भी आ गया था, नेक्स्ट डे इनको आफ्टरनून में फीवर आ गया, खांसी होने लगी, जुखाम था, ड्राई कफ था, साथ में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, और जो इनका ऑक्सीजन लेवल था वो डाउन होता जा रहा था। मतलब जब हमने चेक किया था वो 96 था, धीरे 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 वो 94 हुआ, उसके बाद वो धीरे धीरे करते करते 90 हो गया था, और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो वो 87 तक चला गया था। क्वेश्चन तो हो गया हमारा कि आपको ये कैसे पता चला कि ये कोरोना है, तो बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको शिप पे कैसे हो गया कोरोना? शिप पे तो लोगों को लगता है कि नहीं होगा, इवन हम लोग को भी लगता था कि नहीं होगा, फिर कैसे हो गया? मुझको भी नहीं लगता था कि शिप में हो सकता है, बट क्योंकि जहाज़ में लोग आते जाते हैं, बहुत वर्कशॉप वाले लोग भी आते हैं, काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो मतलब पता नहीं चला कैसे हो गया। आपको कुछ बताती हूँ, जब शिप पे बहुत सारी वर्कशॉप आती हैं तो पता नहीं होता कौन बंदा कैसा है, कौन अफेक्टेड है, तो उससे भी वायरस हो सकता है, और जब एक बंदे को होता है तो वो तो फैलना ही है। तो हमारे शिप में पहले भी, मतलब जब इनको हुआ उसके पहले 2-3 दिन पहले ही इनको 2-3 लोगों को फीवर आ रहा था, तो इसका मतलब था कि कुछ तो प्रॉब्लम है शिप में, मतलब वायरस जो है वो फैल रहा है, चाहे वो वायरल हो या फिर कोरोना ही हो, तो हमें तो ट्रीटमेंट लेना ही था फिर। लेकिन धीरे धीरे इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा जब ख़राब होने लगी, इनके सिम्टम्स जो हैं वो कोरोना की तरफ जाने लगे, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये कोरोना ही है, और हो गया शिप पे। वैसे भी मेरे को ऐसा लगता है जहाँ पे जो होना है वो तो होके ही रहता है, फिर आप चाहे शिप पे रह लो या फिर आप लैंड पे रह लो या कहीं पे भी रह लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कैसे उतरे शिप से, आपने क्या क्या किया? आपका शिप तो बीच समुंदर में था। लकीली हम लोग उस दिन पोर्ट में आ गए थे और मतलब हमें एकदम से मेडिकल असिस्टेंस मिल गई, तो लकी थे कि पोर्ट में था शिप। अगर कहीं बाहर होता तो पता नहीं क्या होता। क्वेश्चन है कि हम शिप से कैसे उतरे, वो ये था कि हम लोग अगर बीच समंदर में होते एंकर पे तो उतरना बहुत मुश्किल होता, लेकिन हमारा शिप जो है वो रात 1 बजे पोर्ट में आ गया था। मतलब हम लोग आ गए थे समंदर के मतलब जा किनारे अपने पोर्ट पे आ गए थे, और वहाँ से फिर हम लोग सुबह ही 6:30-7 बजे हमने जहाज़ छोड़ दिया था। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिप से उतरने के बाद हम लोगों ने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हम लोग जब शिप से उतर गए थे उसके बाद हम लोग एक हॉस्पिटल गए जहाँ पे डॉक्टर ने इनको टेस्ट किया। उस समय इनकी जो ऑक्सीजन वो लेवल है वो बहुत कम होती जा रही थी, 87 चली गई थी मैंने आपको बताया। तो डॉक्टर इंजेक्शन लेके आए और इनकी ऑक्सीजन, कौन सा इंजेक्शन था वो तो इंजेक्शन का नाम तो हमें याद नहीं है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था तो डॉक्टर ने इनको इंजेक्शन दिया जिससे कि जो इनकी ऑक्सीजन है वो एकदम से बूस्ट होने लगी, मतलब वो कंट्रोल में आ गई। वरना वो 87 से नीचे चली जाती तो उससे बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था ऑक्सीमीटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तो इससे आप ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। फिर डॉक्टर ने हमको रिफर कर दिया था टेस्ट करवाने के लिए, कोरोना टेस्ट करवाने के लिए, जबकि सिम्टम्स थे और हम चाहते थे कि हमको ट्रीटमेंट तुरंत ही मिल जाए क्योंकि कंडीशन लग रहा था बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इसीलिए। लेकिन डॉक्टर ने हमें भेज दिया, फिर हम गए तुरंत टैक्सी से, हम लोग पहुँचे दूसरे हॉस्पिटल। जहाँ दूसरे हॉस्पिटल पहुँच गए फिर सबसे पहले क्या किया? दूसरे हॉस्पिटल पहुँच के मतलब हालत तो ख़राब ही थी, तो उन्होंने एकदम से टेस्ट वगैरह किया बहुत तेज़ी से। उन्होंने मतलब हमें अटेंड किया और मतलब उनकी सर्विसेज अच्छी थी। टेस्ट भी हमारा फास्ट वाला जो ये होता है जो सबसे हाँ, तब एक्यूरेट। हम लोगों ने तब डिसाइड किया कि हमको फास्ट वाला टेस्ट चाहिए या फिर 24 आवर्स वाला। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया नहीं, हमको 5 घंटे वाला ही टेस्ट करवाना है जो कि जल्दी रिपोर्ट मिल जाएगी। और वो जो टेस्ट होता है CBNAT करके होता है, ये बहुत ही फास्ट। कौन आ गया था? हाँ, क्या बोल रहे थे आप उस टेस्ट के बारे में? तो ये CBNAT करके एक टेस्ट होता है, बहुत ही फास्ट भी होता है और एकदम एक्यूरेट होता है, तो हमें लगा कि ये करवाना ठीक रहेगा। तो क्योंकि भाई लाइफ का मामला है, तो सबसे एक्यूरेट वाला और सबसे जल्दी वाला हमने करवाया। जिससे जल्दी से जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते। हाँ जब तक हमारा रिपोर्ट आ रही थी, तो जैसे ही हमने टेस्ट करवाया, टेस्ट के बाद रिपोर्ट आई, उसके बाद हम लोग इनको एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट करना है, तो ये हम लोगों ने प्राइवेट रूम लिया क्योंकि हमारे साथ बच्चा भी था। तो अब मैं कहाँ जाती, मतलब मैं अलग नहीं रह सकती थी। डॉक्टर से हम लोग ने बात करा जब इनको एडमिट किया जा रहा था कि हमको दूसरा रूम मिल जाए जिससे कि मैं इनके आसपास रह करके दूसरे रूम में शिफ्ट हो सकती थी, लेकिन वो दूसरा रूम हमें बिल्कुल भी अरेंज नहीं हो पाया क्योंकि वो पेशेंट्स के लिए होता है। मैं भी इस चीज़ से एग्री हूँ कि वो अगर मुझे रूम दे देंगे तो अगला कोई पेशेंट आएगा तो वो कहाँ रहेगा। इस चीज़ से मैं एग्री थी, लेकिन मैं भी चाह रही थी कि मुझे कोई दूसरा रूम मिल जाए, मैं इनसे दूर रहूँ, पर नहीं रह पाई। इनके पास ही मुझे उस रूम में रहना पड़ा जो कि एक पतली पतला सा बेड था, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। तो पीहू को लेकर के मैं वहां पे रही, बहुत मुश्किल भरा समय था। हाँ, मैंने इनको बोला भी कि आप एक होटल में शिफ्ट हो जाओ, इनको होटल के एड्रेस या नंबर वगैरह भी बताए थे, तो फिर इनको ठीक नहीं लगा, ये वहीं पे रुकी रहीं। सब लोग कोरोना वालों के साथ में एक-एक अटेंड करने के लिए एक-एक फैमिली मेंबर था, तो फिर ये भी रुक गई वहाँ पे। बस मैं हमारे तो साथ बच्चा ही एक्स्ट्रा था। हमारी मजबूरी थी, घर नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, तो क्या करते, तो ऐसा ही करना पड़ा। और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। और बुलबुल मतलब अराउंड 1 वीक हम लोग वहाँ पे रुके, और मतलब डॉक्टर्स तो अटेंड कर रहे थे बहुत अच्छे से वहाँ पे, और इसी के कारण से जान बच गई। ऊपर से बुलबुल जो है दिन भर कभी गरारा कराना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, मतलब एक तरीके से मैं तो परेशान ही हो गया था, बुलबुल अब जाओ तुम कोई गरारा वगैरह करने का दिल नहीं करता जब आप मतलब ऐसी कंडीशन में होते हो, आपका मन करता है बस सोते रहो। बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि इनको उठने का मन नहीं करता था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। गरारा टाइम पे करना, नमक पानी पानी का गरारा करना, गर्म पानी पीना, काढ़ा पीना, हल्दी वाला दूध पीना,
और क्या किया था मैंने, हाँ अदरक शहद भी मैंने दिया था, और लौंग मैं देती रहती थी इनको थोड़ी थोड़ी देर में, लौंग दे दी और अदरक में हल्का सा नमक लगा करके वो दे दी, जिससे कि ये अपने मुंह में उसको दबाते रहेंगे, मतलब रखे रहेंगे, और अदरक का फ्लेवर इनके गले को आराम देगा। वो सब किया हम लोगों ने। उसके बाद अराउंड 7 डेज के बाद हम लोगों का डिस्चार्ज टाइम आ गया। डॉक्टर ने कहा अब आप घर जा सकते हैं। घर तो कोई था नहीं हमारा, तो हम लोगों को यहाँ एक होटल में क्वारंटाइन कर दिया गया। इट इज़ अ बिग रूम, और एक साइड में मेरा बेड है और दूसरा साइड में ये लोग रुके हुए हैं। बाद हम लोग यहाँ होटल में आ गए हैं, रह रहे हैं यहाँ पर, क्वारंटाइन है ये, और इनको भी टाइम टू टाइम अभी भी सारी दवाइयाँ मैं दे रही हूँ, लिम्सी ये खाते हैं। हाँ, डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी वो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हर पेशेंट का, हर डॉक्टर का अलग अलग मेडिसिन होती हैं, अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, तो वो मैं नहीं बता रही हूँ आपको। लेकिन आपकी होम रेमेडीज़ जो हैं वो हम बता सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया। तो वही सारी चीज़ें हैं, टाइम टू टाइम गरारा करना, स्टीम देना, स्टीम बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, और रामदेव जी की मैं कुछ यहाँ पे मेडिसिन ले आई। दवाइयों का सेशन ख़त्म हुआ तो बुलबुल ने पूरा एक नया सेशन और कर दिया रामदेव बाबा जी वाला, तो उससे बहुत राहत है। लेकिन अभी भी मेडिसिन चल रही हैं, अभी भी मेडिसिंस चल रही हैं, और हाँ मतलब जो मैं सांस ले पा रहा हूँ वो तो श्वासारी प्रवाही करके, इनकी जो कफ सिरप है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। उसको गर्म पानी में चाय की तरह डाल के सिप सिप करके पी है। बीच में बहुत घुटन होती है, मतलब पहले तो बहुत ज्यादा हो रही थी, अब तो खैर बहुत कंट्रोल में है, अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हम कोरोना को हरा रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना रहे हैं आपके लिए। आगे और भी सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ बताऊंगी। ये तो हमारा एक्सपीरियंस था कोरोना को लेकर के। अगर आप लोग भी इस तरह से कुछ करे हैं या आप लोग के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप भी उसको शेयर करिएगा। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था क्या क्या किया, तो वो मैंने आपको बता दिया कि हम लोगों ने क्या क्या किया। हाँ, कुछ लोग जो है फ्रूट्स भी बहुत खाते हैं, विटामिन सी वाले, मतलब कि जैसे ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, और नींबू पानी हो गया, ये सब चीज़ें भी बहुत लोग लेते हैं, लेकिन हम नहीं ले पाए क्योंकि वर्मा जी को खांसी बहुत ज़्यादा थी, कफ बहुत था, तो ये विटामिन सी की गोलियां लेते थे, लिम्सी जिसे बोलते हैं। तो आप दिन में 3-4 भी विटामिन सी ले सकते हैं, गोलियां ले सकते हैं, भी कर लीजिए, मतलब आपको विटामिन सी जो है वो पूरा अच्छे से लेना है। और क्या बताएं हम आपको, चलिए वर्मा जी से फिर से बात करवाती हूं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिले ना करना अपने इलाज में, ठीक है। तो हमारा जिस दिन मेरे को शिप में पता चला था, तो मेडिकेशंस तो शिप में भी होती हैं, तो इलाज हमने बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, तो वहीं से ही हमारा जो ट्रीटमेंट था वो शुरू हो गया था, और इसके कारण से मतलब जान बची है, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था। मेरी आप लोगों को ये सलाह है कि आजकल टेस्ट रिजल्ट्स आने में बहुत देरी हो रही है, तो आप टेस्ट रिजल्ट्स आने का वेट ना करें। अगर सिम्टम्स हैं तो दवाई पहले शुरू कर दें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई पहले शुरू कर दें आप। घर का ट्रीटमेंट तो ज़रूरी कर लें, घर का तो कम से कम शुरू ही कर दें जो कर सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप करेंगे ट्रीटमेंट शुरू, उतनी जल्दी कोरोना को मतलब उतना टाइम नहीं दे रहे कोरोना को ऐसा। और आजकल टेस्ट रिजल्ट्स आने में 3-3, 4-4 दिन लग रहे हैं, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत सारे लोग एक साथ में पॉजिटिव हो रहे हैं, तो जो लैब्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड है, तो 3-4 दिन लग जा रहे हैं। उससे पहले ही जैसे ही आपका डिटेक्ट हो रहा है सिम्टम्स, तो वैसे ही आप इलाज शुरू कर दें। और बोलना चाहती हूँ, जैसे ही अगर आपका गला खराब होता है तो गला मत खराब होने दीजिए, मतलब कि आपको इन्फेक्शन अपने गले तक नहीं पहुँचने देना है, पहले ही गरारा करना है, गर्म पानी पीना है, काढ़ा पीना है, जिससे कि वो जो वायरस है ना वो यहीं का यहीं मर जाए, नीचे ना जा पाए, गले के नीचे बिल्कुल उसको उतरने मत दीजिए, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो नीचे जा सके और इन्फेक्शन फैलाए। तो आप लोग घर पे गरारा ज़रूर करिए, नमक पानी का गरारा करिए, गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, लौंग खाइए, काली मिर्च खाइए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये सारी होम रेमेडीज़ अपना खुद से करिए, जिससे हम सेफ रहेंगे तो हम अपनी फैमिली को सेफ कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो, आपको अवेयर करने का और अपनी आप बीती बताने का, मतलब क्या हम लोगों के साथ हुआ वो सारी बातें आपके साथ शेयर करने का। आई होप आपको इससे थोड़ी है बहुत हेल्प मिलेगी, हेल्प मिले तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। मैं नहीं कहती अब आपसे कि वीडियो शेयर करिएगा, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे लोग थोड़ा अवेयर हो सके, वो समझ सकें कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपको कोरोना वायरस है या क्या करना चाहिए आपको इस समय में, इस दौर पे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं,
और मिलते हैं आपको एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।